बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोज न्यूज, मैं हूँ जहांगीर खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच, बांग्लादेश की टॉस जीतकर पहले बैटिंग का आगाज। कजाफी स्टेडियम में हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार, हर एक को क्रिकेट का बुखार। पाकिस्तान के लिए सीरीज में फैसला कुन बर्तरी का बेहतरीन मौका। कजाफी स्टेडियम के अंदर और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तुर्की में 4.7 शिद्दत का जलजिला, 18 अफराद जान भाग, 500 से ज़ायद जख्मी। जलजिले के बाद अब तक 30 अफराद लापता हैं। जलजिले से हजारों मकान मुनहदम, सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी, सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुतासर अफराद की फौरी इमदाद की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्की में जलजिले से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। तुर्क अवाम से पाकिस्तानी कौम की जानिब से यकजहती का इजहार, बोले मुश्किल की घड़ी में तुर्क क़यादत और अवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गमजदा खानदानों से इजहार हमदर्दी। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का भी इजहार अफसोस, जाँ बहक अफराद की मगफरत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। भारतीय मुसलमान और 80 लाख कश्मीरी मोदी की फासिस्ट पॉलिसीज के बायस अजियत में हैं। दुनिया मकबूजा कश्मीर और भारत में जमहूरियत मुखालिफ और फासिस्ट नजरिए को तस्लीम कर रही है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, बोले जमहूरियत मुखालिफ और फासिस्ट नजरिया खित्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि केपीके वाले कैसे हुकूमत चला रहे हैं, केपीके हुकूमत का क्या इलाज करूं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन केपीके की सर्विस मीटर में दरखास्तें जायद अल मियाद होने की बुनियाद पर खारिज। एडवोकेट जनरल ऑफिस को मामले की तहकीकात करके 3 माह में रजिस्ट्रार ऑफिस को आगाह करने का हुक्म। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि केपीके हुकूमत की अक्सर दरखास्तें जायद अल मियाद होती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अमल जान बूझ कर किया जाता है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहां पर आपको बताएं कि आर्मी चीफ का तुर्की में जलजले